विलायत न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इसराइल ने माना सऊदी अरब को नहीं रहा अमेरिका पर एतमाद। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक खातिरखा नतीजे हासिल करने में नाकाम रहे इसराइल ने रियाज और तेहरान के बीच गहराते ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसका सबसे अहम सबब अमेरिका का दिन ब दिन कमज़ोर होना है। इसराइल के एक अहम अखबार ने ईरान और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रिश्तों पर रिपोर्ट देते हुए कहा कि इसका एक अहम सबब अमेरिका पर सऊदी अरब का कम होता एतमाद है। सऊदी अरब को लगता है कि अमेरिका अब इस खित्ते की हिफाजत करने की सलाहियत खो चुका है। इसराइल डिफेंस इंफॉर्मेशन बेस ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की तोसी के हवाले से एक तजज़ियाती रिपोर्ट में बाखबर सफारती ज़राए के हवाले से बताया कि सऊदियों को खित्ते की सलामती को बरकरार रखने के लिए अमेरिका की सलाहियतों पर एतमाद नहीं रहा। इस रिपोर्ट में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बरसों की दुश्मनी के बाद आला सतही मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान के हालिया दौरे सऊदी अरब की तरफ इशारा किया गया। इस सिलसिले में कहा गया कि बिन सलमान को दौरे ईरान की दावत मौसूल हुई है, जबकि सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने ऐलान किया है कि उनके मुल्क के ईरान के साथ ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और कौमी व इलाकाई सलामती समेत खित्ते के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर एक आम मुफाहिमत तक पहुँच चुके हैं। सहयूनी इदारे की इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को अमेरिका की इलाकाई सलामती को बरकरार रखने की सलाहियत पर एतमाद नहीं है, इसलिए वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हफ्ते के आखिर में सऊदी वजीर खारजा ने अपने अमेरिकी हममनसब से बातचीत करते हुए मशरिक़ वस्ता की सलामती और इस्तेहकाम जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया था। वहीं दूसरी तरफ हफ्ते के आखिर में ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान भी टेलीफोन पर बातचीत हुई। ये मुज़ाकरात ईरान की ब्रिक्स ग्रुप में शमूलियत की तैयारी के लिए किए गए, जो कि आलमी सियासी और इकतसादी मैदान में सरगर्म ग्रुपों में से एक है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। कौमी, बैनुल अक्वामी और आलमी इस्लाम की अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।